को। आप लोग को जरूरत है, अगर घट रहा है तो बहाली कीजिए। इतने सारे एडुकेटेड पर्सन है, सब बेचारे खड़े कि हम लोग को नौकरी मिला, और यहाँ दो ही चार ही आदमी को कि इसको ड्यूटी कराना है, आठ के जगह दस कराना है, ऐसे ये थोड़ी ना होता है। टेंशन देते हैं ये लोग को, मेंटली टॉर्चर करते हैं। घर में ये लोग टाइम नहीं दे पाते हैं अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार को, और बोलते हैं और ओवर टाइम ड्यूटी कीजिए, तो कैसे होगा? ओवरशूट ना हो, ड्यूटी भी ये लोग को थोड़ा सा आराम दिया जाए, ये लोग को आराम नहीं मिल रहा है। ये लोग कम से कम एक दिन में 16-20 घंटा ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, हमारा जो गाड़ी से परिचालन का जो भी नियम है, हम उसको फॉलो करते हुए ये गाड़ियां चलाते हैं और चलवाते हैं। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। हटिया स्थित रेलवे मंडल मुख्य द्वार के समीप रेलवे रनिंग कर्मचारी बैठे आमरण अनशन पर, तो वहीं उनकी पत्नियों का फूटा आक्रोश रेल मंडल प्रबंधन साउथ ईस्टर्न जोन के खिलाफ। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, महिलाओं ने रेलवे अधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कि रनिंग स्टाफों से ज्यादा काम लिया जा रहा है, आराम करने का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। ज्यादा काम करने से रनिंग स्टाफों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी आक्रोश में देखी महिलाएं भारी संख्या में नारेबाजी करते पहुंची अधिकारियों के दफ्तर तक, और उन्होंने क्या कुछ कहा हम सुनेंगे खुद उन्हीं की जुबानी। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले, इस पूरे मामले पर आज हमारी टीम मंडल रेल प्रबंधक अधिकारी से भी इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की है। क्या कहा अधिकारी ने, तो वहीं क्या कुछ कहा महिलाओं ने, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। जितने भी रनिंग स्टाफ हैं, उनके जो उन लोग का रूल है 143/2016, उसके हिसाब से उनके काम कैसे करना और विश्राम की क्या रूल है, उस रूल के हिसाब से उनको हेडक्वार्टर ओवरशूट नहीं करना है। इनका कहना है कि हम लोग जैसे रूट दो तीन रूट जो है, तो किसी रूट में लॉन्ग रूट है, कोई शॉर्ट रूट है, तो शॉर्ट रूट में जब जाते हैं तो इनका कहना है कि हम शॉर्ट रूट में वापस ला के हेडक्वार्टर ला के फिर वापस दूसरे जगह भेजेंगे। तो जब ये लोग लॉन्ग रूट में जाते हैं और 20-20 घंटा की ड्यूटी करते हैं, तब तो फिर उस बीच में 16 घंटा के ब्रेक नहीं हो पाती है, क्योंकि नियम है 8 घंटा के बाद ब्रेक का। लेकिन जब शॉर्ट रूट में जाते हैं, शॉर्ट रूट में जाके अगर वो जल्दी आ गए तो घर पहुंच के फिर वो लोग वापस दूसरे जगह जाएंगे, 30 घंटा हो जाएगी। आप बताइए कि जो रनिंग स्टाफ है, जितने भी पीछे पैसेंजर है, जितने भी माल है, सारा कुछ उसकी जिम्मेदारी है। वो उस टेंशन में अगर वो ड्यूटी करता है, वो फ्रस्ट्रेशन में ड्यूटी करता है, तो एक्सीडेंट होगी, उसके जिम्मेदार कौन होगा? आज के डेट में आप देख रहे हैं रांची रेलवे डिवीजन में हमेशा एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन होगा? उस समय आप लोको पायलट को जिम्मेदार ठहराएंगे? आज लोको पायलट अगर टेंशन में रहेगा, दुनिया बाइक चलाता है, आप भी बाइक चलाते हैं, भला बाइक चला के आए होंगे, अगर आप टेंशन करके निकलेंगे, क्या आप यहाँ तक गंतव्य तक पहुँच पाएंगे? तो ये चीज़ जो उतने बड़े रिस्क को लेकर जा रहा है, उसके वेलफेयर के लिए, उसके चीज़ों के लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा है? तो हमारा यही मांग है कि हेडक्वार्टर ओवरशूट नहीं करने देंगे। वो जहाँ यहाँ जब हेडक्वार्टर पहुँच गया, वो 2 घंटा की ड्यूटी करके आया कि 4 घंटा की ड्यूटी करके आया कि 30 घंटा की ड्यूटी करके आया, वो मायने नहीं रखता। हम हेडक्वार्टर ओवरशूट नहीं करने देंगे, क्योंकि जब वो 30 घंटा की ड्यूटी करके आता है, तब क्या कोई पूछता है कि 30 घंटा में वो हेडक्वार्टर पहुंच रहा है, 16 घंटा में वो यहाँ पहुंच रहा है, तो फिर 2 घंटा में क्यों? तो हमारी यही मांग है कि आप हेडक्वार्टर ओवरशूट नहीं करने देंगे, हमारा यही नियम है। अपनी रूल थी, वही रूल लागू रहे। अगर मैन पावर कम है तो आप रेलवे मंत्रालय को भेजिए मैन पावर। क्यों आप इतना प्रेशर दे रहे हैं कि रेलवे ड्राइवर को घर ना आए, बीबी नहीं आए, मोबाइल फोन जमा करो, ये कौन सा परेशानी होती? रात को हम बीमार है, बच्चे है, कोई नहीं आ रहा है, अब रेस्ट पूरा भी नहीं, घंटी बजा देते हैं, ये कौन सा मोबाइल फोन जमा कीजिए, ये कौन सा हम लोग का परेशान करना है? हम लोग के बच्चे नहीं है, कभी मीटिंग के लिए नहीं जाना है, बीमार है तो नहीं जाना है। क्या रेल का ये नौकर है, इसके मतलब क्या है? रोबोट है, रोबोट तो नहीं है। और भी बोलते हैं कि 143/2016 नियम को मैं नहीं मानता हूं, तो आप इसे लिखकर दे दीजिए कि मैं लोगों के लिए नहीं मानता हूं। आप लिखकर क्यों नहीं दे रहे हैं? हेडक्वार्टर ओवरशूट क्यों करवा रहे हैं? जी जी, 143/2016 का ये नियम के आप लिख खिलाफ है, तो ये लिखकर आप दे दीजिए सभी लोगों के कि इस नियम को हम नहीं मानते हैं। आप क्यों नहीं लिख कर दे रहे हैं? हेडक्वार्टर ओवरशूट करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? कभी कभी साइकिल नहीं रखने देंगे, हाँ उसी के अनुसार कीजिए। आप उसको नियम कोई नहीं मान रहे हैं, आप अपना ऑफिसर लगा रहे हैं, आप तो सीआर बनाकर चले जाइएगा, लेकिन यहाँ जो 500 स्टाफ है वो सबको क्या करके जाइएगा? हम लोग साइकिल, आप रेलवे जोन से अलग है, सारे डिवीजन से अलग है,
आप लोग को मांग है कि 2016 के नियम हाँ 143/2016 को आप मानिए, ओवर शूट मत करवाइए। जो पहले था आदमी ड्यूटी करके आता था तो अपना हेडक्वार्टर में आप आराम करता था, नहीं यहाँ से भी वापस जाना है। हेडक्वार्टर ओवर शूट मत करवाइए, आप इस नियम को मानिए, अगर नहीं मानते हैं तो इस नियम को लिख कर दे दीजिए। लोग पहले ड्यूटी करते थे वैसे अभी करें, जो रूल बदला है वो नहीं बदलना चाहिए। नहीं हम लोग बात करने आए हैं, हाँ नहीं बात नहीं हुई है, बताया गया कि वो नहीं है यहाँ। सर इसलिए आए थे कि हम लोग का जो मांग है सर हम लोग का पूरा नहीं कर रहे हैं। जी हम लोग रनिंग स्टाफ के हैं, हम लोग रनिंग स्टाफ की वाइफ हैं, तो हम लोग यहाँ पे उनको हमारी मांगे पूरी करने के लिए हमारे हस्बैंड लोग दो दिन यहाँ धरना किए लेकिन वो कुछ नहीं सुने। लास्ट करके हम लोग सर हम लोग को आना पड़ा। आज हमारे बाल बच्चे सारे के सारे बाल बच्चे अभी स्कूल से आएंगे लेकिन सबको हम लोग छोड़ के सर खाना पीना सब छोड़ के हम लोग यहाँ आए हुए, फिर भी सर हम लोग को कभी इधर से उधर कर रहे हैं उधर से इधर, बोलते हैं कि मोबाइल बंद करके रखिए, मोबाइल बंद करके रखेंगे सर तो हम लोग का बाल बच्चे कैसे बात होगा। हम लोग रनिंग स्टाफ लोग को इतना घंटा ड्यूटी कराने के लिए बोल रहे हैं, 30-30 घंटा कोई ड्यूटी होता है सर? नहीं होता है, और रेस्ट एकदम बिल्कुल नहीं। हम लोग सोचते रहते हैं कि हम लोग का हस्बैंड कब आएगा, हम लोग घूमने जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा कहीं पे शॉपिंग करेंगे, लेकिन सर हम लोग का कभी ऐसा नहीं होता, होता है कभी बताइए। हम लोग मोबाइल भी ऑफिस में रख के जाते हैं तो हम लोग कैसे फोन करेंगे? नहीं आराम कहाँ मिल रहा है, कभी हेडक्वार्टर भी आने का कहाँ टाइम मिल रहा है? हेडक्वार्टर कम से कम आराम तो मिलना चाहिए, रनिंग स्टाफ है इसका मतलब मजदूर नहीं ना है कि दिन रात मजदूरी करते रहो आराम मत कर। अपने बीवी बच्चे को देखने के लिए भी टाइम नहीं है रनिंग स्टाफ को, ऊपर से मोबाइल भी बंद करने, ऊपर से मोबाइल भी, अगर बाई चांस मेरे बच्चे को तबियत खराब होता तो कौन देखेगा, कौन देखेगा? बाहर में कोई तो है नहीं, कौन देखेगा मेरे बच्चे को तबियत खराब होगा? तो टेंशन देते हैं ये लोग को, मेंटली टॉर्चर करते हैं, घर में ये लोग टाइम नहीं दे पाते हैं अपने बाल बच्चे को अपने परिवार को, और बोलते हैं और ओवर टाइम ड्यूटी कीजिए तो कैसे होगा? हेडक्वार्टर ओवरशूट करने के लिए बोला जा रहा है, जब उनका हेडक्वार्टर मुड़ी है तो वो हटिया क्यों करे? 15-18 घंटा भी ड्यूटी हो जाता है हेडक्वार्टर ही बदल नहीं दिया जा रहा है, हेडक्वार्टर तो मुड़ी है पर मुड़ी छोड़ के बोलते हैं हटिया आना पड़ेगा, ये कौन सा ये है? ओवरशूट ना हो, ड्यूटी भी लोग को थोड़ा सा आराम दिया जाए, ये लोग को आराम नहीं मिल रहा है। ये लोग कम से कम एक दिन में 16-20 घंटा ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। नियम है तो उस नियम से ये लोग चल कर रहे हैं, ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं, ऑफिसर बन गए हैं तो इसका मतलब कुछ भी करवाएं। मेंटली टॉर्चर क्यों हुआ, रूल का उल्लंघन हुआ, सही में माइंड से थका रहेगा इंसान तो कुछ भी कर सकता है, और क्या मेंटली टॉर्चर किया जाता है सर, कि घर गृहस्थी से भी वो लोग तंग आ जाते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं, उनका गुस्सा मतलब हम लोग घर पे आके निकलता है, ये लोग का सारा गुस्सा हम लोग पे आके निकलता है। नहीं गुस्सा तो नहीं है सर, हम लोग का जो मांग है हम लोग शांति पूर्वक कर रहे हैं कि हम लोग की परेशानी को भी समझा जाए। साफ शब्दों में कहें कि क्या मांग है, साफ शब्दों में एक बार कहिए, टॉर्चर नहीं किया, टॉर्चर नहीं किया जा रहा, जो रूल है उसके अनुसार काम किया जाए, करवाया जाए। जी जी सर, ओवरशूट जी सर, ओवरशूट नहीं किया जाए, जो ड्यूटी का टाइम है उतने ही घंटा रखना चाहिए, ये नहीं कि एक्स्ट्रा बढ़ा दे, ठीक है? आप लोग को जरूरत है, अगर घट रहा है तो बहाली कीजिए, इतने सारे एडुकेटेड पर्सन है, सब बेचारे खड़े कि हम लोग को नौकरी मिला, और यहाँ दो ही चार ही आदमी को कि इसको ड्यूटी कराना है, 8 के जगह 10 कराना है, ऐसे ये थोड़ी ना होता है। और सेंट्रल लेवल का क्वार्टर का फैसिलिटी देखिए, हम लोग लोको पारे लेकिन ढंग का क्वार्टर नहीं मिलता है हम लोग को, नहीं आ बच्चे लोग बोलते हैं कि पापा नहीं आ रहे। हाँ सही बात है, हम लोग हर चीज झेल रहे हैं, सब चीज झेल रहे हैं, आज हम लोग आए क्यों? 17 घंटा के बाद 17 घंटा ड्यूटी हो जाता है, 17वां घंटा ड्यूटी हो जाता है, ठीक है, लेकिन ड्यूटी ऑफ करने का भी कोई नियम होना चाहिए। हमारे नहीं आए, आपके सपोर्ट में नहीं आए तो फिर हम कैसे उसको अटेंड करेंगे? ये हमारे स्कूल का रीजन हम लोग को मिल रहा है, मतलब स्कूल दोनों गार्जियन मदर और फादर, फादर कभी रहते ही नहीं है सर, सिर्फ मदर जाते हैं, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो हम लोग को तंग करते हैं। स्कूल में 5 पेरेंट्स मीटिंग हुआ है, एक भी मीटिंग में ही जा नहीं पाए हैं, और पूछने पे जवाब आते रोज गार्जियन यही पूछते हैं टीचर्स क्लास टीचर कि मैम आपके हस्बैंड नहीं आते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है क्या?
क्या करें, इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं मानता। मतलब बताइए, हम लोग के पास ये भी प्रॉब्लम है कि एक पेरेंट्स मीटिंग में भी गार्जियन को अगर ले जाना है साथ में तो माइंड में सेट कर लीजिए कि कैसे जाना है, नहीं होगा वो भी मैनेज नहीं किया जाएगा। कुछ नहीं हुई, कोई बात नहीं हो रही है, मिल ही नहीं रहा है सर। सर मिलेंगे तभी तो कुछ बात होगी ना, सर मिल ही नहीं रहे हैं तो बात कहाँ से होगी, मिलेंगे हम लोग बात सुनेंगे तभी तो कुछ काम होगा ना, ऐसे कुछ काम नहीं कर पाएगा। कम से कम खाना बिल्कुल अच्छा मिलता ही नहीं है, कैसे मालूम आपको, वो आके बताएंगे ना सर। ज्यादातर चाहते हैं कि घर से ही कुछ बना के दे दो ताकि बासी खाना ही खा के हम लोग दो दिन रह जाए, लेकिन रनिंग रूम का नहीं खाए, इतना मतलब घटिया खाना है रनिंग रूम का, सभी जगह का। साहब अपने नहीं, हमारा जो गाड़ी चल परिचालन का जो भी नियम है हम उसको फॉलो करते हुए गाड़ियाँ चलाते हैं और चलवाते हैं। कोई भी नियम को वायलेट करके हम कहीं भी गाड़ी चलाने के लिए ना किसी को प्रोत्साहित करते हैं ना खुद किसी से कहते हैं। तो ये जो कहना है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसमें बोला जा रहा है कि हेडक्वार्टर को ओवरशूट करके गाड़ी नहीं जाएगी आगे, गाड़ी किसी भी ड्राइवर का किसी भी गार्ड का उसके अंदर टोटल घंटा देखा जाता है कि कितना घंटा उसको गाड़ी चलानी है तो कितने घंटे बाद उसको रेस्ट देना है। तो ये पूरा स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इसी के हिसाब से हम आगे भी कार्य जारी रखेंगे। उनका कहना है कि 2016 का जो नियम था उसको न मानते हुए जो अधिकारी हैं वो इस तरह के अपनी मनमानी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मनमानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अभी हमारी गाड़ी जैसे बीच बीच में लीन सीजन थोड़ा रहता है तो उस समय लोको पायलट की थोड़ी इतनी शॉर्टेज नहीं रहती है तो कभी कभी हम लीनियंटली इसको देख लेते हैं, लेकिन जब ये इस समय गाड़ी का हमारा पीक सीजन है, पीक सीजन में गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो रूल को बिना वॉयलेट किए हमें कैसे गाड़ी चलानी है वही हम देख रहे हैं इसमें। तो सर, दो हफ्ते से लोको पायलट धरना पर बैठे हुए तो काम क्या नहीं, लोको पायलट भी जिम्मेदार हैं हमारी तरीके से, वो भी रेलवे का ही पार्ट है तो उनमें एक सबसे अच्छी बात यह है वो भी ये समझते हैं कि सब रेल का ऑर्गेनाइजेशन सभी से मिलजुल के चलता है तो कोई भी वो ऐसा काम अभी नहीं कर रहे हैं जिससे कोई रेल परिचालन को कोई बाधा पड़े। उनकी वाइट सर का भी आरोप लगा है कि ओवर टाइम करवाया जा रहा है, तनाव जैसे कि सभी का तनाव बढ़ रहा है और फोन से जहाँ तक मुझे फोन तो हाँ तो वो तो रूल है कि गाड़ी में अगर कोई लोको पायलट अगर गाड़ी में चढ़ा है, लोको में बैठा है, गाड़ी चला रहा है तो इनफैक्ट हम लोग भी जब इंस्पेक्शन करते हैं तो लोको में जा रहा था अपने मोबाइल बंद कर देते हैं क्योंकि मोबाइल तो आजकल दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण मोबाइल में बात करना गाड़ी चलाते समय तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है तो मोबाइल तो बिल्कुल नियम के अनुसार बंद किया जाता है। लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि ओवर टाइम लिया जा रहा है। नहीं, ओवर टाइम बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है, ओवर टाइम जो भी नियम है उनके जितना घंटा उनको गाड़ी में चलाना है चलना है उसी घंटे के अंदर उनको रिलीव किया जाता है और कहीं कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में कुछ एक आध घंटे एक्स्ट्रा चलाने पड़े उसके भी नियम है, उस नियम के अनुसार ही उनसे काम किया जाता है। गतिरोध मेनली वही है कि जो इनका भ्रांति है मन में कि हेडक्वार्टर ओवरशूट नहीं करना है हमें, चाहे हम एक घंटे का ड्यूटी किया हो हमने एक घंटे बाद ही हमें रिलीव कर दिया जाए तो वहीं पे थोड़ा सा इनको समझा कि डीआरएम साहब 15 दिन से मिले नहीं हैं और कभी दिल्ली जा रहे हैं कभी कलकत्ता जा रहे हैं, उनको मिलने का टाइम नहीं दिया। नहीं नहीं, हमसे तो जब भी आए थे मिले थे यहाँ पे, अभी जब भी मैं तो 3 दिन हफ्ते में 15 दिन नहीं, मैं तो 3 दिन ही गया हूँ बाहर और उसमें उससे मैं जाने से पहले भी मिल के गया था और आज भी इनके साथ मीटिंग रखी है, कभी मिलने का कोई नहीं है। नहीं माने तो आगे आप क्या जो भी नियम के अनुसार होगा, जो भी नियम के अनुसार स्थिति जो भी डेवलप होगी, नियम में जो भी प्रावधान होंगे उसके हिसाब से लिया जाएगा। किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे, मतलब निकाल दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? जो भी नियम होगा, जो भी किसी को भी निकालने का भी प्रावधान है, जो भी सरकारी नियमों में जो जैसा भी प्रावधान है वो फॉलो किया जाएगा। पहली बात तो ये है कि कल का जो इंसिडेंट हुआ है, किसी भी एम्प्लॉई को कुछ भी शिकायत है तो उसका समाधान एम्प्लॉई और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में होता है, उसके परिवार का बीच में आना तो मैं इस बात को सही नहीं मानता हूँ कि इस तरीके से परिवार को बीच में यूज़ करना किसी ने भी जिसने भी किया है। और क्योंकि इसमें होता क्या है, परिवार के कुछ दो चार लोग जेन्युइन भी होते हैं तो कुछ बाहर के लोग भी आके उस उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश करते हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि फैमिली वाले आते, इससे पहले भी रांची डिवीजन में आए सीनियर डीपीओ के चैम्बर में बवाल हुआ था, महिला लोग आके तो जो भी हुआ गलत है, गलत परंपरा है जो मैंने देखा रांची मंडल, जैसे आपने खुद बताया रांची मंडल में अगर ऐसा होता रहा है तो मैं नहीं चाहूँगा कि फ्यूचर में ऐसा हो, क्योंकि गलत परंपरा है। अगर कहीं गलती हुई है तो उसको गलती को हम रिपीट नहीं करना चाहिए।
सर अभी उनके हड़ताल पर बैठे हुए आपके सामने, उनसे क्या आपकी वार्ता होगी या फिर वैसे ही चलता रहेगा? नहीं, वार्ता जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी रिकॉग्नाइज्ड हमारी यूनियंस हैं, उन सबसे हम बातचीत में कर रहे हैं, टच में हैं और उनके साथ मिलकर समाधान निकालेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहें एसएमपी न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।